Good morning students, welcome to your SST class and today we are going to start with our new chapter Soil and Mineral Resources of India. See, this is the picture of site of mining. We humans have been mining for many of the years. Hum humans pichle kai saalon se mining kar rahe hain, digging kar rahe hain. Kyun? To find the natural resources जिससे हम हमारी needs को क्या करें, पूरा करें. And the miners, they help us to access the natural resources of earth like gold, silver and iron ore. तो जो miners होते हैं वो natural resource, वो हमें help करते हैं natural resources को हम तक पहुँचाने के लिए. जैसे आपका gold हो गया, silver हो गया, ऐसे ही. Now many industries which use natural resources like iron ore, aluminium to produce things used by us every day. और क्या हो, जैसे आपने देखा होगा aluminium के बर्तन होते हैं, ठीक है, तो ये industries क्या करती हैं, उससे हमारी daily needs के लिए चीजें तैयार करती हैं. And the activities which are related to mining and for industrial production that depend on the ह्यूमंस. देखो ये सारी चीजें जो हमारी माइनिंग से लेके इंडस्ट्रियल तक प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उन सब में ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि मशीन्स भी हम ह्यूमंस ही चलाते हैं, ह्यूमंस के बिना मशीन्स नहीं चल सकती, तो इन सब के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की नीड होती है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड सी दीज आर द रॉक्स. सबने देखे होंगे पत्थर, रॉक्स. These are the hard solid materials that form the upper layer of the earth. हमें अर्थ की ऊपरी सतह पे ये पत्थर दिखते हैं. Rocks are composed of one or more minerals. They consist of one or more than one minerals. And the breakdown of these rocks, it forms the soil. In rocks का breakdown ही soil form करता है. It helps in the formation of soil. See, वी ऑल नो सॉइल. सबने सॉइल देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मिट्टी ना देखी हो. सी सॉइल इज नेसेसरी फॉर अस. कैसे? वी ग्रो प्लांट्स इन द सॉइल एंड फॉर बोथ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर आर फूड. एंड सी इट इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सर्फेस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इन टू स्मॉल पीसेस. कैसे? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर. और ये प्रोसेस कई कई साल लेता है. भाई एक बहुत बड़ा पत्थर है, एकदम से तो वो सॉइल में कन्वर्ट नहीं होगा ना. इट सो इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म अ रॉक इनटू सॉइल. द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स हंड्रेड ऑफ इयर्स एंड सॉइल इट कंटेन्स ऑफ एयर, वाटर, सैंड, पेबल्स, क्ले एंड मेनी मोर थिंग्स. As rock contain minerals, the soil formed out of these rocks contain minerals too. देखिए, I have told you कि rocks are composed of one or more minerals. तो उन rocks से जो soil form होती है, भाई उस soil में भी तो वो minerals produce, वो minerals होंगे ना. तो the soil which formed by the rocks which contain minerals, the soil is also having the minerals in that too. Now, see, one diagram is given in your book, layers of soil. इसमें देखिए soil की layers होती हैं. तो आपका जो first है, okay, first आपका क्या है इसमें? Humus. Now, what is humus? The decaying matter in the soil. Decaying matter जो चीजें सड़ती हैं. That is decaying matter. Now the next one is the next one. It is topsoil. This is topsoil. It is visible to us. ये हमें क्या होती है? Visible होती है ना? Topsoil हम देख सकते हैं. And it contains large amount of humus and minerals. It contains large amount of humus and minerals and which makes it dark in color. जिसकी वजह से ये क्या होती है? इसका कलर डार्क होता है. It has a soft texture. अभी हम ये टॉप सॉइल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है.
हम इस टॉप सॉइल की ही बात कर रहे हैं, इट हैज अ सॉफ्ट टेक्सचर एंड इट कैन रिटेन वाटर इजली, दैट्स वाई प्लांट रूट्स ग्रो इन दिस। ये आप देख रहे हो ना, प्लांट की रूट्स इस टॉप सॉइल में ग्रो करती हैं। ओके, दिस वन यू कैन सी नाउ, एंड इट इज होम टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, वर्म्स। ठीक है, जमीन के यहाँ पे रहते हैं ना थोड़ा सॉइल में, एंड लाइक मोल्स, छछूंदर जिसे हम कहते हैं। तो योर नेक्स्ट इज सब सॉइल, पहला है आपका ह्यूमस, नेक्स्ट है आपका टॉप सॉइल, एंड देन इट कम्स द सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है, इट इज नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच डजंट कंटेन मच ह्यूमस। ये सॉइल की नेक्स्ट लेयर होती है जिसमें ज्यादा ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस लेयर, इसमें आपके मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, एंड इट हैज अ हार्ड टेक्सचर एंड इट इज लाइट इन कलर एंड इट इज मोर सॉलिड देन द टॉप सॉइल। इससे ज्यादा सॉलिड ये होती है आपकी सब सॉइल। नेक्स्ट वन इज ब्रोकन रॉक्स, दिस वन ब्रोकन रॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विद क्रैक्स इन देम, दीज रॉक्स आर पार्शली वेदर्ड। पार्शली वेदर्ड मीन्स इन पे मौसम का असर नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी बारिश ठंड, अंडरस्टूड। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज बेड रॉक, द नेक्स्ट लेयर इज बेड रॉक, दिस वन लास्ट लेयर ऑफ सॉइल, एंड इट कंटेन्स लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स दैट आर नॉट वेदर्ड, वेदर का कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इन पे हवा या पानी का कोई असर होता है कि हवा चली तो ये उड़ के कहीं चले गए या पानी नीचे तक पहुंचा तो ये पानी के साथ कहीं बह गए। एंड दे कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ स्पेड, आपने स्पेड देखा होगा जिससे क्या करते हैं मिट्टी खोदते हैं, तो ये उससे हम डग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नीचे और इसमें क्या होता है बड़े बड़े पीसेज होते हैं रॉक्स के, एंड इट इज वेरी हार्ड इन द टेक्सचर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर लेयर्स ऑफ सॉइल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम और इन दिस एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू इट, यू कैन आस्क एंड गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर प्रेजेंट इन योर क्लासरूम अलॉन्ग विद योर नेम क्लास एंड सेक्शन। थैंक यू।